गॉड गणपति बप्पा, ये तो सही जवाब निकला। इसका मतलब ये हुआ कि मैं रोकर सही काम कर रही हूं। अरे 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 मैडम मैडम मैडम, रोइए मत, अभी तो बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। और ही बाकी है? अरे अरे सर, रोने दो, थोड़ी देर टीआरपी बढ़ रही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रहते हुए टीआरपी बढ़ाने के लिए अब पाखी सावंत जैसे लोग आएंगे। आए, ये शो मुझे नहीं करना है। नहीं मतलब नहीं। हाँ, अरे ड्राइवर गाड़ी निकालिए भाई। अरे वाह, अब एबीसी मैं ही होस्ट करूंगी। ओके, लेट्स प्ले एबीसी। एबीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीजस। हम लो तो मिलेगा आपको शुभ लाभ। बोलो बालक, क्या कष्ट है तुम्हें? बाबा, मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन वो काम कुछ नहीं करता है। मैं जो कमाता हूँ उसी पे जीता है बाबा। तुम्हारे बेटे की राशि में एक बहुत ही भीषण अभिषेक योग है। इस योग में पुत्र अपने पिता के कंधों पर बेताल बनकर बैठ जाता है। बाबा, मुझे इस योग से बचा लो। इसका उपाय है बालक, तुम रोज सुबह और शाम 108 बार महादेव ऋतिक का धूम धूम यू कैन लाइट माय फायर, धूम धूम यू कैन टेक मी हायर, इस मंत्र का जाप करो। और उसके साथ साथ एक ऐश्वर्य संपन्न गुणी अति सुंदर लड़की के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दो। और उससे होगा ये बालक कि तुम्हारा पुत्र जो तुम्हारे कंधों पर बेताल बनकर बैठा है, वो उतरेगा और जाकर तुम्हारे बहू के कंधों पर बैठ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व, केस सॉल्व। नेक्स्ट। अरे बाबा, क्या चर्चा जैसा बात करता है? अरे पिच गीला है तो मैं क्या करेगा यार, पिच को डाइपर पहनाओ चढ़िया। राजू भाई, ए राजू भाई, भाव क्या चल रहा है? 25 रुपया एक का। क्या 25 रुपया? कौन से खिलाड़ी का भाई? पापर का। अरे बाबा, तुम शक्ल से कंगाल लगता है, इसलिए क्रिकेटर का भाव बोला ही नहीं। ए भाई, अब उनको ऐसा वैसा मत समझो। हाँ, वो क्या है ना, अपुन सोच रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो अपुन नरेंद्र सहवाग के ऊपर पैसा लगा डाले, क्या बोलता भाई? अरे बाबा, सहवाग के ऊपर लगाएंगे तो थोड़ा रिस्क है। वो क्यों? अगर मैच के बीच में सहवाग की मां का फोन आ गया तो सेंचुरी तो छोड़ो, सहवाग एक ही ओवर में पवेलियन लौट जाएगा, परवरेगा तुमको। अरे छोड़ो। अच्छा ये बताओ भाई कि युवराज के ऊपर पैसा लगाए क्या? अरे बाबा, युवराज बोलेगा तो किंग, तो किंग जास्ती टाइम धूप में ठहरता नहीं है, इसलिए बादशाह सलामत की तरह वो छांव में लौट जाता है पवेलियन में, उधर आराम करता है एसी में, परवड़ेगा तुमको? भाई अपुन को बताओ, अपुन किस में पैसा लगाए? अपुन के पास बहुत पैसा है। अच्छा तुम्हारे पॉकेट में कितना पैसा है? 5 रुपया, 50 रुपया, 5000 रुपया। अरे क्या भाई, बीच का तो आप भूल ही गए ले हो, 500 रुपया लेके घूमता है अकेला? हाँ। बिना सिक्योरिटी के? हाँ। अरे यार, तुम्हारे पास इतना रुपया है तो हम तुमको एक आइडिया देगा, पाकिस्तानी प्लेयर पे 500 रुपया लगाओ, हम एक पाकिस्तानी प्लेयर तुमको फ्री में देगा। जल्दी से फोन उठाओ, नहीं तो मिस कॉल हो जाएगा। फोन बज रहा है, मैं गब्बर बोल रहा हूँ। पिछले 3 महीने से क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा है, बिल कौन भरेगा, तेरा बाप? सरकार, हम बिल भर देंगे, अगले हफ्ते तक हम बिल भर देंगे। पागल हो गई सरकार, अगले हफ्ते बिल भर देंगे, कहाँ से बिल भरेंगे, बैंक में 1 रुपया नहीं है, और 1.5 साल से तो मेरी पगार तुमने नहीं दी है, पूछा तो होता कम से कम। अरे सांबा, क्या हंस रहे हो यार, पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो? हंस नहीं रहा, रो रहा हूँ। अरे ओ सांबा, यहीं पे खड़ा हूँ यार। अरे ओ सांबा, अरे ओ सांबा, एक आइडिया है मेरे पास, मैं अपने आप को सरकार के हवाले कर दूंगा, और जो इनाम सरकार ने मेरे सर पर रखा है उससे लेकर क्रेडिट कार्ड का बिल छुट्टा कर दूंगा। अरे सांबा, यही हूँ। सरकार ने हमारे सर पे कितना इनाम लगाया है रे? पूरा 5000।
तीन दिन पहले तो 50,000 था। सरदार रिसेशन का जमाना आ गया है, रिसेशन जब से आया 50 से 5 हो गया है। रिसेशन? अरे सांबा, यही हूँ यही। कल तक मुझे रिसेशन यहाँ पे चाहिए है, उसको लेके यहाँ पे जा लेके जा लेके जा लेके। पूरी दुनिया जब रिसेशन को नहीं लेके आ पाई तो मैं कहाँ से लाऊंगा। तो अब मैं क्या करूँगा? मन मन भारी मत करो, आप गाना गाओ, मैं नाचता हूँ। मन का कर लेते ठीक है, ठीक है, चलो गाना गाओ। महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में फूल खिलते हैं, अच्छा। जब चेहरा मिलते हैं मैं और तू। सांबा सांबा, यहाँ डांस करने से तो अच्छा है कि हम लोग जाके लोकल ट्रेन में डांस करना शुरू कर दें, पैसे भी कमाएंगे और मन भी हल्का हो जाएगा। ये ससुरा मंगुआ जो है आजकल किडनैपिंग भी करने लगा है। काब मंगू, बहुत तरक्की कर लिया हो। साब हुड़ गुम्बा हो रही मेरी खोपड़ी, ऐसी हरकतों से आपके पुलिस में तरक्की होती होगी, हमारे धंधे में ना होती। आजकल ये ससुरा आपके बारे में कुछ ज्यादा ही जानने लगा है। जूता छेड़ आप है मंगू, तो हमको एक बात बता, तू लड़की को किडनैप करके मल्टीप्लेक्स में छुपा था ना? साहब हमने किडनैप ना किया, वो बात अलग है, मल्टीप्लेक्स में चोरी करके मैं छुपने गया था। छुपना तो पड़ेगा ही, अब हमारे साहब के जैसा थोड़े निसम है कि चोरी करके हम सरेआम घूमेंगे। जू तो छटा वंस अगेन। ए मंगू, तू हमको एक बात बता, वो लड़का तेरे साथ थिएटर में मिला कैसे? साहब मैं आपको फुल स्टोरी बता रहा हूँ। हाँ। मैं अभिषेक बच्चन की फिल्म गेम देखने के लिए सिनेमा हॉल में गया था। लो जी, मेरे सिवा हॉल में कोई था ही नहीं, मैं एकदम से घबरा गया। मैं घबराहट में सिनेमा हॉल के बाहर आ गया, वहां मुझे बच्चा मिल गया। मैंने इसको पॉपकॉर्न का लालच दिया, अंदर ले आया कि लो भाई दोनों की कंपनी रहेगी। अब बच्चा धार मार मार के रोने लगा और पूरा पॉपकॉर्न मेरे मुंह पे भक्क से मारा, और लो जो भागा है सिनेमा हॉल के बाहर, भीड़ जमा हो गई और भीड़ ने मुझे धोना शुरू कर दिया, वो समझे मैंने किडनैप किया। अब आप बताइए, ऐसी ऐसी फिल्में बन रही है, मासूम फंस रहा है। साहब आप लोग एक जैसा कर रहे हो, ये मुझे पसंद ना है। भाई भाई आप उन्हें फिल्म देखी भाई, वो शोले भाई बहुत बार देखी फिल्म, बहुत बार देखी है, पर अभी तक अपने भेजे में एक बात नहीं घुसी भाई। पूछो क्या? क्या वो क्या ना भाई, उसमें जो ये गब्बर है वो गब्बर का दोनों हाथ रहता है, फिर भी वो ठाकुर के हाथ के पीछे पड़े रहता है, उसको बार बार यही बोलता है, याद मेरे को दे दे, याद मेरे को दे दे, दे दे ठाकुर, याद मेरे को दे दे। ये रिलैक्स रिलैक्स कर तू, मैं तेरे को समझाते है। अभी क्या है ना, मुझे लगता है कि गब्बर को ठाकुर से बहुत प्यार हो गया लेता है, इसलिए वो ठाकुर से हाथ मांगने गया लेता है, लेकिन उसमें ठाकुर का बाप तो था ही नहीं ना जिससे वो हाथ मांगे, इसलिए वो ठाकुर से उसका हाथ मांग रहा लेता है। सही बोलो भाई, भाई एकदम करेक्ट बोलो भाई, इसलिए मुझको लगता है ठाकुर को पता नहीं गया था कि उसको प्यार हो गया भाई गब्बर से, और वो बाद में गब्बर के पास गया ना, गब्बर को क्या बोला? जॉन गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन और ये 16 घंटा चालू है। हाँ, आपकी डिटेल्स अच्छी हैं, लेकिन इस लोकेशन पे लोन पास नहीं हो सकता। हेलो एंड नमस्कार, मैं बिचारू शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे पिच की। तो मिस्टर पिद्दू, मिस्टर पिद्दू, तू भी छा गया गुरु, तू भी छा गया। मेरे ख्याल से भारत की पिचेस बहुत फ्लैट हैं, इसलिए पिद्दू जी हमारे बैट्समैन को कट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन बैट में इतनी धार नहीं होती कि वो बॉल को कट कर सके, तो मेरे हिसाब से बैट्समैन को चाकू लेकर जाना चाहिए, राइट? तेरी जबान भी बगैर चाकू छुरी के खूब चलने लगी है, और तू बगैर क्रिकेट नॉलेज के खूब उछलने लगी है, तू कहीं भी हो जाती है शुरू, दिस इज नॉट डन गुरु। थैंक्स, आई एग्री विद यू। एक्सक्यूज मी, क्या हम वापस कट पे आ सकते हैं? सारे प्लेयर्स से कह दो कि अपने स्कोर्स के अलावा बाई रन पे भी ध्यान दें, एक एक बाई बहुत कीमती होती है, एक एक बाई मैच को जिता सकती है। या एक एक बाई बहुत काम में आती है, अब शाइनी को ही ले लो। मैं क्यों लूं? उसे तो कोई फिल्मों में नहीं ले रहा,
तू ले ले। ओ नो 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 नो, मेरा मतलब है कि शाइनी बाई की वजह से कितनी चर्चा में आ गया है। आई थिंक प्लेयर्स को भी बाई की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। इट्स हाई टाइम। आई एग्री विद यू। अरे व्हाट यू एग्री विद हर? आई डोंट एग्री विद यू बेचारू। आप तो चुप रही है पिंटू जी, और मंडीला जी आप तो कुछ मत बोलिए। अरे आपसे ज्यादा क्रिकेट की नॉलेज तो मेरी बाई को है। मेरी बाई को है? नो नो, मेरी बाई को है। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी कि आप दोनों को बाई की इम्पोर्टेंस पता है। चैन से सोना है तो जाग जाओ, पंजाब में हो तो मक्के की रोटी और साग खाओ। हर वक्त हर पहर, सुबह शाम दोपहर, हैवानियत भरे सच के साथ हाजिर है सनसनी। सनसनी खेज खुलासा। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है और आप इसे मामूली समस्या समझते हैं, तो जरा इस खबर पर ध्यान दीजिए। ललितपुर का निवासी विवेक, उसने अपने बालों में डैंड्रफ से लूटे 25 लाख रुपए। जी हाँ, 25 लाख रुपए। आज हमने गिरफ्तार किया शातिर लुटेरे विवेक डैंड्रफ को, जिसने 5 अलग अलग जगहों पर सिर्फ अपने डैंड्रफ के सहारे लूट मचाई। अरे भैया क्या बताऊं, मैं बैंक में अपने पैसे भरने गया था, वहां पे मुझे ये आदमी मिला। सुनिए भाई साहब, ये अमाउंट का डिपॉजिट करते हैं। नहीं भाई साहब, मैं हूं ना आपके लिए इस बैंक का मैनेजर। कितना भला मानस है ना। मैं भला मानस? अरे ये भला आदमी किधर गया? तो देखा आपने, अगली बार किसी डैंड्रफ वाले को देखते ही हो जाइए सावधान। पुलिस इस वक्त विवेक के बालों में एंटी डैंड्रफ शैंपू लगा रही है। करवाते रहेंगे आपको हम खतरों से अवगत। देखते रहिए फन फनी। गुरु गुरु, ये जो दुनिया है ना गुरु, ये किस पे टिकी है? किस पे क्या टिका है, हमसे क्या पूछता है नादान आदमी? किस पे तो टिका है सिर्फ चुम्बन देवता इमरान हाशमी। गुरु गुरु देखो गुरु, हाँ। नया साल आ गया गुरु, हाँ। आज तक आशीर्वाद नहीं दिए। हाँ। आज आशीर्वाद दे दो गुरु, आज आशीर्वाद दे दो गुरु। तो कौन सी बड़ी बात है मियां, हम अभी आशीर्वाद दिए देते हैं। इस नए साल में ऊपर वाला तुम्हें हाथी की ताकत, शेर की आवाज दे, हिरन की खूबसूरती, चीते की रफ्तार दे, मगर गधे की अक्ल ना दे। जो सबसे खास है, क्योंकि वो तो पहले ही से तेरे पास है, निपटा दिया। अरे 150 फिल्में साइन करने वाला हूँ, बहुत जल्द जान जाएगा तुझे। सर तो फिर एक्टिंग सीखने क्यों आया सर? गुड मॉर्निंग। ओके, मैं तुम लोगों को एक्टिंग सिखाने आई हूँ, आया हूँ। जाओ सीधा खड़ा रहे पहले, फिर एक्टिंग सिखा। व्हाट ए मैको मैन। मैं अभी तुम लोगों को फाइटिंग सिखाऊंगी। वॉलंटियर कौन कर रहा है? सर तुम जीत गए। मैम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे वाह मैचो मैन एकदम। ओके रेडी, आई फर्स्ट करो कि मैं विलेन हूँ। ओके, डेंजरस विलेन, और मेरे हाथ में बंदूक है, और मैं आपके सामने आता हूँ और कहता हूँ हैंड्स अप। ये धमकी दे रहा है या प्रपोज कर रहा है? गॉड प्रपोज नहीं, तुम्हें डर जाना चाहिए। अरे कितना डरूं मैं? ठीक है डरो मत, डरो मत। अभी तुम्हें विलेन के हाथ से बंदूक को छीनना है। ओके आप रेडी हो जाते हैं, ऐसा बंदूक को पकड़ेंगे और ऐसा उल्टा करोगे, बंदूक गुल, और ऐसे टाइटली विलेन को पकड़ोगे। बस हो गया, बस हो गया। ओके मजा आ गया, वेल डन। नेक्स्ट चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है, बेडरूम सीन में एक्टिंग कैसे करने का। तेरा तेरा सीन आ गया, चुप के करना। तुम फिर से जीत गए मेरे हीरो। नहीं। हाय हेलो वेलकम टू होम शॉकिंग नेटवर्क। दोस्तों क्या आप अपनी बहू से परेशान हैं?
क्या आपकी बहू को देख के आपको डेली सॉप सीरियल की वैम्प नजर आती है? क्या आपकी बहू अंदर ही अंदर वॉइस ओवर में बात करती है? क्या आपकी बहू तीन बार मुंडी हिला हिला के आपको जवाब देती है? ऐसा के फेंकी आपकी पुरानी बहू को, क्योंकि आपके सामने होम शॉकिंग नेटवर्क लाया है टेली बहू। अब इसे पाकर हर सास कहती है कि मैं पुरानी बहू को क्यों सहूं जब मेरे पास है टेली बहू। हम चलते हैं ललिता जी के पास जिन्होंने हमारी टेली बहू को अपनाया। जोरदार तालियां। पहले मैं बहुत दुखी रहती थी, मेरी बहू मेरी पीठ के पीछे मुझे बुढ़ी और खुसेट कह के पुकारा करती थी और मेरे बेटे को बेलन के साथ धो डालती थी और इतना दुखी करती थी कि उसकी वजह से मेरे बेटे के अंदर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी आ गई जिसे कहा जाता है JKG सिंड्रोम। JKG का मतलब चोरू का गुलाम, जो कि मेरे हस्बैंड में भी था। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, ये नई बहू मुझे बेहद प्यार करती है और पुरानी बहू की तरह सी से शुरू होने वाले नामों से नहीं 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 पुकारती, जैसे चुड़ैल, चलाक या फिर कंप्लेंट बॉक्स। मैं वाकई में बहुत खुश हूँ क्योंकि इसकी अच्छी बात ये है कि ये मेरे बेटे से ज्यादा मुझे प्यार करती है। ये वाकई में एक आदर्श बहू है, एक चमत्कारी बहू है, बहुत ही सुशील बहू है क्योंकि पूजा के बाद हर रोज सुबह ये मेरे पाँव भी छूती है, जो कि अपने आप में एक अजूबा है। इसके लिए मेरे मुंह से बस एक ही गाना निकलता है, सासों की गुस्ताखियां माफ हो। अपनी इस नई बहू को लेकर मैं वाकई मैं सच में बहुत 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 खुश हूँ। दोस्तों, टेली बहू की खासियत ये है कि वो ससुराल में सास, ससुर, ननद, देवर, जेठ, जेठानी सबके गुस्ताखियां हंसते हंसते माफ कर सकती है, क्योंकि ये बहुत समझदार और सुलझी हुई बहू है टेली बहू। तो आज ही ऑर्डर कीजिए टेली बहू, अब कोई नहीं पिएगा आपका लहू क्योंकि आपके साथ होगी टेली बहू। वाह, कितना प्यारा एहसास है। तो आज जो हमारे सामने जो बड़े मरीज आए उनका नाम है, मैं सेफ, सेफ हूँ। अबे सेफ हो तो फिर दवा खाने क्यों आओ, जाओ आराम करो। मुझे चक्कर आ रहा है। कहीं तुमने अपनी फिल्म कुर्बान तो नहीं देख ली थी? कल हमारा साला भी देख के आया है, अभी तक कोमा में है। ओह गॉड। ये बता कि जिस चाय को तुम अपने खुद हाथ से बनाओगे उस चाय को क्या कहा जाएगा? I don't know. उसे सेफ्टी कहा जाएगा, सेफ्टी। Well. वाव नहीं, ये जो बीमारी है ना, वाव वाव वाव, ये कोई बीमारी नहीं होती। जिस दिन तुम भाव भाव करने लगोगे तब आना, मतलब समझे? Well. जाओ। वाव। ये कौन सी बीमारी हमको लग गई है, हम भी वाव करने लगे, अब हम कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? नमस्कार, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें। अच्छी खबर यह है कि जिमी शेरगिल की आने वाली फिल्म की सारी टिकटें बिक गई हैं। कैसे? और बुरी खबर यह है कि इसके लिए जिमी शेरगिल के 5 लाख रुपए खर्च हो गए। अरे दोस्तों, मेरे मोबाइल पे सबसे बड़ी अच्छी खबर आई है, जरदारी साहब ने SMS भेजा है कि वो इसके बाद इंडिया में आतंकवादी नहीं भेजेंगे। सॉरी दोस्तों, बुरी खबर यह है कि जरदारी साहब का वापस मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि इससे पहले वाला मैसेज एक SMS चोक था। आपकी अभी अभी शादी हुई है, प्रेम विवाह,
हम जानना चाहते हैं कि प्रेम में निराशा कब होती है? जब लड़की शादी के लिए हाँ बोल दे। शादी के वक्त पंडित जी दूल्हा और दुल्हन के हाथ क्यों मिलवाते हैं? अरे तो तुमने क्या कुश्ती नहीं देखी? कुश्ती तो उनके जो गुरुजी होते हैं वो पहले लड़ने से पहले दोनों को ऐसे हाथ मिलवाते हैं, तो इसी तरह से शादी में पंडित जी दूल्हा दुल्हन के दोनों के हाथ मिलवा देते हैं, उसके बाद कुश्ती शुरू जिंदगी भर के लिए। ये परंपरा चली आ रही है। पति में और अच्छे पति में क्या फर्क है? पति वो होता है जो गलती करे और फौरन जो है अपनी पत्नी से माफी मांग ले, और अच्छा पति वो होता है जो गलती ना करे और माफी मांग ले। आपकी नजर में बीवी से बढ़के किस चीज की इम्पोर्टेंस है? पजामा। बीवी के बगैर तो आदमी कहीं भी जा सकता है, लेकिन पजामे के बगैर कहीं नहीं जा सकता। माइंड इट, उस दिन क्या हुआ? मेरा मुकाबला डॉन के साथ हुआ, डॉन और मैं आमने सामने एकदम फेस टू फेस। उसके बाद बहुत देर तक मैं फायरिंग खेलता रहा, टिचके हूं। कुछ देर के बाद मेरा गन का बुलेट्स खत्म और डॉन के पास सिर्फ एक बुलेट। डॉन ने मेरी तरफ एम लिया और बुलेट चलाया। सोचो मैंने क्या किया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैट्रिक्स की तरह मैं भी झुक गया ऐसा। छिड़ा वो पुराना अब नया रॉबर्ट। मैंने याद किया किसके बारे में पता है? मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट का क्या है? वो अट्रैक्ट करता है आयन को। तो जब डॉन ने बुलेट फायर किया, मैंने मैग्नेट को एकदम मेरे मुंह के सामने ऐसा, बुलेट आया मैग्नेट में लगा, चिपक गया। मैंने क्या किया, बुलेट को निकाला, अपने बंदूक में डाला और मैग्नेट सीधा डॉन के मुंह के अंदर पाचक करके फेंका। उसके बाद क्या, मैंने फायर किया और बुलेट डॉन की तरफ जाता गया। डॉन उधर से भाग गया। 4 साल हो गए स्टोरी को, लेकिन डॉन अभी तक भाग रहा है। जिस दिन वो रुकेगा, फिनिश। समझा? इफ नो वन कैन, रजनी। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे में सर झुकता है यारा, मैं क्या ये तो गाना ही गलत है। फिल्म के अंदर पति ने पत्नी के लिए गाया था, तब तो ऐसा गाना था, तुझ में चुड़ैल दिखती है यारा मैं क्या करूं, वो तुझ में डायन दिखती है यारा मैं क्या करूं। एक पान देना। एक पान दुई बार मांग रहा है, एक पान चाहिए या दो पान चाहिए? एपिग्लॉटिस, मैं हर बार दो बार बोलता हूँ। My name is Khan, Shahrukh Khan. ऐसा तो होना ही था। My name is Khan, Shahrukh Khan. I repair almost everything. कोलकाता नाइट राइडर्स की किस्मत सुधार के दिखाओ तो जाने। अरे खान साहब छोड़ दो लोगों को पकाना, वरना एक दिन पड़ेगा पछताना। लवर बॉय बनना छोड़ दो, तुम्हारा वो रूप नहीं है। तुम्हारी हर बकवास झेले, जनता बेवकूफ नहीं है। अब भी अगर ना समझे तो यार बहुत पछताओगे, वो टांग कर गले में तख्ती अपना नाम याद दिलाओगे। Your name is Khan, तो my name is Ehsaan। देवी और सज्जनों, एबीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं बच्चन हूं तो आज की हमारी कंटेस्टेंट जो है वो बोल बच्चन है। स्वागत कीजिए पाकी सावंत। गणपति बप्पा जीस, मैं यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं समझ गया। आप तो जब मिरर के सामने मेकअप करती होंगी तब भी आपको यकीन नहीं होता होगा कि आप ही पाकी सावंत हैं, क्योंकि आप अतरंगी बहुत हैं। मतलब? बाकी बातें बाद में। बैठिए, बैठ जाइए। ओके, लेट्स प्ले एबीसी। क्यों नहीं, मैं डरती हूँ क्या किसी से? पाकी जी, आपके लिए पहला सवाल ये रहा,
रोने के क्या फायदे हैं? ए, आंखें साफ हो जाती हैं। बी, पीने के पानी की प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। सी, पब्लिसिटी मिल जाती है। या डी, ऑल द अबव। बी, पीने के पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मेरे आंसू तो है जिनसे मैं अच्छे अच्छों को पानी पिला देती हूं। ओ बाकी जी, अफसोस, गलत जवाब। अरे सर, पहले ही सवाल में आउट नहीं कर सकते हो, टीआरपी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ओ सही जवाब। ओ जीजस, ओ गॉड, गणपति बप्पा, ये तो सही जवाब निकला। इसका मतलब ये हुआ कि मैं रोकर सही काम कर रही हूं। अरे 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 मैडम मैडम मैडम, रोइए मत, अभी तो बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। और ही बाकी है? अरे अरे सर, रोने दो, थोड़ी देर टीआरपी बढ़ रही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रहते हुए टीआरपी बढ़ाने के लिए अब पाखी सावन जैसे लोग आएंगे। आए, ये शो मुझे नहीं करना है। नहीं मतलब नहीं। हाँ, अरे ड्राइवर, गाड़ी निकालिए भाई। अरे वाह, अब एबीसी मैं ही होस्ट करूंगी। ओके, लेट्स प्ले एबीसी। एबीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीजस, जया, अभी, ऐश, अमिताभ, इनका नाम लो तो मिलेगा आपको शुभ लाभ। बोलो बालक, क्या कष्ट है तुम्हें? बाबा, मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन वो काम कुछ नहीं करता है। मैं जो कमाता हूँ उसी पे जीता है बाबा। तुम्हारे बेटे की राशि में एक बहुत ही भीषण अभिषेक योग है। इस योग में पुत्र अपने पिता के कंधों पर बेताल बनकर बैठ जाता है। बाबा, मुझे इस योग से बचा लो। इसका उपाय है बालक, तुम रोज सुबह और शाम 108 बार महादेव ऋतिक का धूम धूम यू कैन लाइट माय फायर, धूम धूम यू कैन टेक मी हायर, इस मंत्र का जाप करो। और उसके साथ साथ एक ऐश्वर्य संपन्न गुनी अति सुंदर लड़की के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दो। और उससे होगा ये बालक कि तुम्हारा पुत्र जो तुम्हारे कंधों पर बेताल बनकर बैठा है वो उतरेगा और जाकर तुम्हारे बहू के कंधों पर बैठ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व, केस सॉल्व। नेक्स्ट, अरे बाबा, क्या चलिया जैसा बात करता है? अरे पिच गीला है तो मैं क्या करेगा यार, पिच को डाइपर पहनाऊ? चलिया राजू भाई। ए राजू भाई, भाव क्या चल रहा है? 25 रुपया एक का। क्या 25 रुपया? कौन से खिलाड़ी का भाई? पापर का। अरे बाबा, तुम शक्ल से कंगाल लगता है, इसलिए क्रिकेटर का भाव बोला ही नहीं। ए भाई, अब उनको ऐसा वैसा मत समझो। हाँ, वो क्या है ना, अपुन सोच रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो अपुन नरेंद्र सहवाग के ऊपर पैसा लगा डाले, क्या बोलता भाई? अरे बाबा, सहवाग के ऊपर लगाएंगे तो थोड़ा रिस्क है। वो क्यों? अगर मैच के बीच में सहवाग की मां का फोन आ गया तो सेंचुरी तो छोड़ो, सहवाग एक ही ओवर में पवेलियन लौट जाएगा, परवरेगा तुमको। अरे छोड़ो। अच्छा ये बताओ भाई के युवराज के ऊपर पैसा लगाए क्या? अरे बाबा, युवराज बोलेगा तो किंग, तो किंग जास्ती टाइम धूप में ठहरता नहीं है, इसलिए बादशाह सलामत की तरह वो छांव में लौट जाता है पवेलियन में, उधर आराम करता है एसी में, परवड़ेगा तुमको? भाई अपुन को बताओ, अपुन किस में पैसा लगाए? अपुन के पास बहुत पैसा है। अच्छा, तुम्हारे पॉकेट में कितना पैसा है? 5 रुपया, 50 रुपया, 5,000 रुपया? अरे क्या भाई, बीच का तो आप भूल ही गए ले हो। 500 रुपया लेके घूमता है अकेला? हाँ, बिना सिक्योरिटी के? हाँ। अरे यार, तुम्हारे पास इतना रुपया है तो हम तुमको एक आइडिया देगा, पाकिस्तानी प्लेयर पे 500 रुपया लगाओ, हम एक पाकिस्तानी प्लेयर तुमको फ्री में देगा। है?